काट के और दास बना लेना उसको। अंडरस्टैंड? अभी हम पट्टी करेंगे कि करते कैसे हैं। सिंपल, अगर किसी को चोट लग जाती है सिंपल, तो फिर हम किस तरह से करेंगे। ये जो मैं सिखा रहा हूँ बाद में आप लोगों से नहीं करवानी है, फिर ध्यान रखना इसको। आप आ जाओ। ओके, देखो चोट लग गई है इस फिंगर्स के ऊपर, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, और हमने करना क्या है कि इसकी ब्लीडिंग को भी रोकना है और साथ हमने करना है, ठीक है भैया। आप इस हाथ को ऐसे रखेंगे, ये इसके बाद हम लेंगे गाज। इसलिए कहता हूँ कि ये जो होती है ना ये पैटर्न, ये जख्म के साथ चिमट जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं ज़्यादातर। जख्म हुआ जिधर, आपने क्या करना है उसको साफ करना है सही तरह से। उस वक्त ये नहीं करना कि आप उससे ज़्यादा आपको डर लग रहा हो, इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। जख्म बेशक है, जैसे भी आपने उसको सही तरह से पहले साफ करना। एक दफ़ा साफ हो गया, दोबारा फिर आप क्या करेंगे, दोबारा फिर लेंगे आपके पास जानने चीज़ें जो चीज़ें से सारी होनी चाहिए। दोबारा आप ये जो लगाएंगे, दोबारा इसके साथ आपने नहीं लगाना, बायोडीन लगानी। एक दफ़ा आपने लगा लिए, दोबारा इससे आपने क्या करना, उसको साफ करना। साफ करने के बाद तीसरी दफ़ा आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आपने गाज बना लेना है, गाज आपने इस तरह से पट्टी को काटेंगे डबल करके, उसका आप गाज बना लेंगे। इसके अंदर अगर आप रुई रखते हैं ऐसे यहाँ पे, ऐसे अंदर रखना है, इसके लिए अंदर आके इसको आपने ऐसे फोल्ड, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आप एक दफ़ा इसको यहाँ से ऐसे आयोडीन लगा लेंगे। आयोडीन लगाने के बाद आप इसको फिंगर्स को इस जगह के ऊपर लगी हुई है, और आप ऐसे करके इसको दबा देना आपने, और उसके बाद आपने ये पट्टी जो है इसको यहाँ से पट्टी बहुत ज़ोर नहीं लगा के बंद करना,